गुड़ामलानी में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को गुड़ामलानी एसडीएम सुनील कुमार कटेवा और विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता भेराराम माचरा को राजस्थान ऊर्जा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि किसानों का अनुदान रोककर विभाग ने बिजली बिल भेजे हैं, जिसमें 2017 से पेनल्टी माफी योजना को खत्म कर पेनल्टियां जोड़ दी गई हैं। किसान इन बिलों का भुगतान नहीं करने के साथ पेनल्टी लगाकर जारी किए गए बिलों का बहिष्कार करने की बात कही। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। सरहदी जिले बाड़मेर में किसान इन दिनों टिड्डी दल के हमले के साथ सरकार द्वारा रोके गए कृषि अनुदान के बाद दोहरी मार झेल रहे हैं। वहीं अब डिस्कॉम ने बढ़े हुए बिजली बिल भेजकर किसानों की परेशानी का सबब और बढ़ा दिया है। गुरुवार को गुड़ामलानी कस्बे के किसानों ने भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष प्रहलाद सियोल के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार एवं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता भैराराम माचरा को ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर बिजली बिलों में रियायत देने की मांग की। भारतीय किसान संघ के प्रहलाद सियोल ने बताया कि किसानों का अनुदान रोककर विद्युत विभाग ने बिजली बिल जारी कर दिए हैं, जिसमें 2017 से पेनल्टी माफी योजना को खत्म कर पेनल्टियां जोड़ दी गई है। कोरोना संकट एवं टिड्डी दल के प्रकोप के चलते क्षेत्र के किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में बढ़े हुए विद्युत बिलों का भुगतान करना किसानों के बूते से बाहर की बात है। किसान बिजली के बिलों का बहिष्कार करते हैं। सरकार द्वारा पूर्व में किसानों को प्रति माह बिल में 833 रुपये की छूट दी जाती थी, जो वर्तमान सरकार ने पिछले 6 महीने से बिना किसी सर्कुलर के उस सब्सिडी को बंद कर दिया है, जिससे किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अभी कोरोना महामारी के चलते किसानों की फसल भी सस्ते भाव में बिक रही है और वर्तमान सरकार बिल भरवाने के लिए किसानों को मजबूर कर रही है, वो भी पेनल्टी और 2% अतिरिक्त चार्ज के साथ में, जिससे किसान अभी बहुत परेशान है। भारतीय किसान संघ किसानों की इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार से मांग करता है कि 833 रुपये पूर्व में प्रति माह जो सब्सिडी दी जाती थी उसको वापस शुरू किया जाए और किसानों से पेनल्टी और अत्यधिक शुल्क वसूल न करके राहत प्रदान करें। ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में किसानों ने पूर्व में दिया जा रहा 833 रुपये प्रति माह अनुदान, योजनाओं में बकाया भुगतान, विद्युत बिलों में सुधार, बिलों की राशि का समायोजन, विद्युत कनेक्शन योजनाओं के चलते जागरूकता एवं नीतिगत बदलाव कर किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान तहसील प्रसार प्रमुख सालूराम सियोल, कार्यकारिणी सदस्य मोहनलाल, ईश्वरलाल देवाराम मंडा, मूलाराम ढाका समेत कई किसान उपस्थित रहे।